मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास। मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। कल की चिंता नहीं करता लेकिन परसों की करता हूँ। उस दिन घर में आटा कैसे आएगा? तनख्वाह न लेती हो मेरी कोई भाई, मंथन तक चले मेरी कमाई, चांद और सूरज हैं दोनों भाई, शाम में बैठ के होते दोनों हाई, पोड़ो में मिंट है या मिंट में पोड़ो, और इस फकीर को क्या चाहिए तुम बोलो। मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ। देखो लोगों को जिंदगी में बहुत सारे भ्रम होते हैं, मुझे भी रहे। जैसे मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत ज्यादा गर्व करते, ऐसा मुझे लगता था। ऐसा है नहीं, वो मुझसे निराश नहीं है, वो टूट चुके। मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, बट मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट था तो मैं आर्टिस्ट बन गया। तब भी मेरे पापा से पूछता, गुप्ता जी आपके बच्चे करते क्या? तो बोलते हैं बड़ी लड़की इंजीनियर है, छोटी अकाउंटेंट है, और लड़का आर्टिस्ट निकल गया। आर्टिस्ट निकल गया, ऐसे बोलने जैसे गंजेड़ी निकल गया। ये सुन के मैं टूट जाता हूँ और फिर मैं अपनी माँ के सामने जाके गाना गाता हूँ कि क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं माँ? तो माँ कहती है हाँ, प्रॉब्लम तो है बेटा तुम्हारे अंदर। और ये दोनों मुझसे इतने ज्यादा निराश, इसके पीछे रीजन है कि मैं लूजर हूँ लाइफ में। बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था, मेरी मैथ बहुत ज्यादा कमजोर थी। मेरी मैथ इतनी कमजोर थी कि पढ़ते पढ़ते मेरी गणित फट गई। मैं स्कूल में कभी कोई प्राइज नहीं जीता, लाइक एक बार मुझे मिला था कॉन्सोलेशन प्राइज। कॉन्सोलेशन प्राइज पता है क्या होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद आता कॉन्सोलेशन प्राइज। हिंदी में से कहते हैं सांत्वना पुरस्कार। वो टीचर भी बच्चों को भीख में देते जब उसको लगता है इसको दो नहीं मर मरना जाए यार, ये उसकी फट गई थी यार। उसने देख लिया था मेरी आंखों में मौत का मंजर। उसने मेरे हाथ में ट्रॉफी दी और कान में को बोला, बेटा घर जाके फोन कर देना तुम यार, लटक मत जाना, तुम्हारे हालात ठीक लग नहीं रहे। अभी भी मैं लाइफ में कुछ खास कर नहीं रहा। जैसे कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे पता चल गया था लोग मुझे निकालने वाले। एक्चुअली मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा था। मुझे हमेशा लगता था मैं किसी और चीज के लिए बनाऊ, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। पर मैं एक चीज तुम लोग को बता दूं कि अगर तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा तो जरूरी नहीं कि तुम किसी और चीज के लिए बनो। हो सकता है तुम हराम खोर। दुनिया वाले जब जॉब ढूंढ रहे थे, मेरे दोस्त जॉब ढूंढ रहे थे, मैं घर पे बैठ के गूगल पे टाइप कर रहा था हाउ टू मेक डायमंड एट होम। तो अब नहीं मेरे पास जॉब, बट मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास। मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। उस दिन घर में आटा कैसे आएगा? तो मैं गूगल पे टाइप कर रहा हूं हाउ टू सर्वाइव विदाउट फूड। और देखो जब मेरी जॉब चली गई तो मुझे अपने बारे में पता चला, लाइक अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों के बारे में पता चला कि मैं दिन में 8 बार सो सकता हूं। सोने का रिकॉर्ड मुझे पता ही नहीं था, वो बस मुझसे काम करवाए जा रहे थे। अब मुझे मिल गया है बेड, अब मैं पड़ा रहता हूं। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम की ओर डूबता है, ये मैं देख रहा हूं। और मैं जाके बाहर लोगों से बता रहा हूं, दोस्त ये सिर्फ कहावत नहीं है, मैंने देखा है लाइव। मेरी बॉडी में पेन रहने लगा लेटे लेटे। तो मेरे दोस्त ने बोला, भाई ये थायराइड की सिम्टम, जाकर टेस्ट करवाओ। मैंने टेस्ट करवाया, थायराइड नहीं निकला, आलस निकला। तुम लोग को आलस आता है, मेरे पास आके रुक गया। शाम को 6 बजे मेरी आंख खुलती है, मुड़ के चौंक जाता हूँ, फक शाम हो गई, फिर सोना पड़ जाएगा। मैं सो जाता हूँ। देखो इससे एक नुकसान ये हो गया, पड़े रहोगे बॉडी में फैट आ जाएगा, और यही हुआ, मैं मोटा हो गया और मोटा होता जा रहा हूँ। पहले नहीं था, एक तो मैं पड़ा हूँ, दूसरा रीजन ये भी मैं खाता बहुत हूँ।
स्टोरी ऑफ माय लाइफ. मुझे खाते खाते भूख लग जाती. और ऐसा नहीं, मुझसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है. मैंने दो बार जिम ज्वाइन किया और दोनों बार दो दो दिन में छोड़ दिया. ये मुझे मोमोज खाने से मना कर रहे. चार दिन मोमोज नहीं खाऊं, हाथ पैर कांपने लगते हैं मेरे. एक बार तो मुझे मोमोज वाले ने डांट दिया कि इतना नहीं खाना होता बे. मोमोज वाला मुझे मोमोज वाले नुकसान के बारे में बता रहा है कि पेट में जम जाता है, स्टीव होता है ना. और देखो, जब भी आप जिम जाते हो ना, तो जो ट्रेनर होता है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपनी गालियां देता है कि तुमसे होगा ही नहीं, तुम्हारे बस के नहीं पुशअप्स करना, क्या करने आ गए तुम. तो लोग एफर्ट मारते हैं. मैं बस मान जाता हूं. I'm like, इसे चार साल से जिम खोल रखा है, झूठ थोड़ी बोल रहा है यार, थोड़ा तो रिस्पेक्ट कर लो. मैं बहुत टूट गया था. मैं मंदिर चला गया और भगवान की मूर्ति के सामने जो जो चिल्लाने लगा कि तू कैसा भगवान है, तू आदमी को बिना दौड़ा 10 किलो कम नहीं कर सकता. तो पुजारी मुझे थप्पड़ मार दिया. बोला, कुत्ते तेरे को वेट कम करना है और तू गणेश जी के मंदिर आया. वो भी 3 किलो लड्डू लेके चूतिए, ऐसे नहीं होगा. अब पुजारी मुझे टिप्स दे रहा. बोला, ब्रो तू एक काम कर, तू स्विमिंग कर. स्विमिंग करने से वेट कम होता है. और ये बात सही है, अब स्विमिंग करो, वेट कम होता है. बस तुम्हें पानी में जाते ही मजे ना आने लगे. मैं पानी में जाते ही अपने गेम शुरू कर देता हूँ. मैं पानी में जाता हूँ और कच्चे में हवा भर लेता हूँ. और बाजू वाले बोलो, ब्रो देख कछुआ. देख, अरे कहाँ जा रहा, देख गायब हो गया. देख देख फिर आ गया. देख अपनी बकचोदी. तो मुझे ये चीज समझ में, मैं फिजिकली एक्टिव हो नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा भाग दौड़ खेल कूद, बट मेरे को वेट कम करना है. तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ कि मैं अपने खान पान में सुधार लेकर आऊँ. और उसके लिए मैंने नई थ्योरीज बनाई कि अगर मैगी को ग्रीन टी में उबालो तो फैट तो काट ही देगा वो. कॉलेज में भी मेरे हालात कुछ अच्छे थे नहीं, वो लूजर ही था. जैसे मेरी गर्लफ्रेंड थी, बहुत प्यार करता था मैं उसे, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी, ऐसा वो बोलती थी. एक दिन उसे बोला कि रवि, शादी के बाद भी तो मुझे उतना ही प्यार करोगे ना. मैंने बोला हाँ हाँ. बोली ठीक है, दिसंबर में है मेरी शादी, फिर तुम देखो प्यार तो नहीं रुकना है अब. मैं फिर से टूट गया. और उसी टाइम कॉलेज में एक लड़की आई थी और मुझे पसंद थी वो. मैं उसे प्रपोज करना चाहता था लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के साथ पसंद नहीं था कि मैं उसके साथ घूमूं फिरूं लंच पे जाऊं. उसने कई बार मुझे समझाया, पीटा भी, पर मैं जिद्दी, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा. मेरी अभी भी उस लड़की से बातचीत होती. उसके बेटे का नाम शुभम. कल ही मैंने उसे क्यूट बेबी कॉन्टेस्ट में जिताया. तो अब जाके मेरी लाइफ में धीरे धीरे फंडे क्लियर होने लगे. मेरी लाइफ में लड़कियां आनी है नहीं. नाउ आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर नेगेटिव थिंग्स. मतलब अब ऐसा कि पैदा हो गए हैं तो जी ही लेते हैं. अब मेरे पास किसी लड़की के फ्रेंड को है, मैं खुद ही बोल देता हूँ फेक आईडी है यार. कस्टमर कैसे, मेरे पास फोन है, हेलो मैं वोडाफोन से सुमन बोल रही हूँ, क्या मदद कर सकती. मैंने बोला सुमन वो सब छोड़ो, पहले बता तुमने खाना खाया. ठीक है, मैं बहुत अकेला हूँ यार, बहुत डेस्परेट भी. मैं आधी आधी रात में उठ के चौंक जाता हूँ अपने ही खर्राटों से कि कौन है. मैं ही तो हूँ. मलाइक में इतना अकेला हूँ कि मेरी पीठ पे साबुन लगाने वाला कोई नहीं, तो मैं साबुन दीवार पे चिपका लेता हूँ और अपने हिसाब से नहाता हूँ.
पर उसमें भी साबुन फिसल के फंस जाने का खतरा है। कुछ लोगों को समझ आ गया।